दोस्तों HP ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट गेमिंग डिवाइसेस की रेंज को भारत में लॉन्च किया, जिसके अंदर ओमेन ट्रांसेंट 16, ओमेन 16 और विक्टस 16 लैपटॉप्स भी थे। इन लैपटॉप्स के अलावा HP ने शोकेस कर अपना लेटेस्ट गेमिंग डिस्प्ले HyperX के साथ, जो कि HyperX 27 इंच QHD आर्माडा गेमिंग मॉनिटर है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य झा और आज हम देखने वाले हैं इसी HyperX आर्माडा 27 इंच QHD गेमिंग मॉनिटर को थोड़ा और निकट से। जो नया HyperX 27 इंच QHD गेमिंग मॉनिटर है, इसको कहा जा रहा है कि गेमिंग एंथुसियास्ट्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि काफी हाईली कस्टमाइजेबल सेटअप है यहाँ पे, जिसकी मदद से गेमर्स जो है वो प्रिसाइसली एडजस्ट कर पाएंगे हाइट को और टिल्ट को, क्योंकि भैया यहाँ पे एक एर्गोनॉमिक माउंटेड आर्म दे रखा है। जो मॉनिटर है ये एक 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को फीचर करता है और 1 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम को भी फीचर करता है। यहाँ पे क्वाड HD 1440p रेजोल्यूशन है और ये सपोर्ट करता है वीसा डिस्प्ले HDR 400 स्टैंडर्ड को। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पोर्ट दे रखा है और दो HDMI 2.0 पोर्ट्स दे रखे हैं। औसत यूसेज में ये जो मॉनिटर है 33 वॉट तक की पावर को कंज्यूम करता है और इसमें मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जा सकती है 60 वॉट तक की। भाई स्टैंड को इंक्लूड कर दिया जाए तो मॉनिटर वे करता है 8.5 किलोग्राम और बॉक्स के अंदर ही आपको यहाँ पे एक AC पावर कॉर्ड मिलती है, DP 1.4 केबल मिलती है, वारंटी का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और वीसा एक्सेसरीज भी मिलती हैं। ये जो 27 इंच का मॉनिटर है, यहाँ पर एक 8-bit IPS पैनल दे रखा है और एज लाइट टाइप की बैक लाइटिंग दे रखी है। 400 निट्स तक की इसकी ब्राइटनेस जाती है और 16:9 एस्पेक्ट रेशो है यहाँ पे। स्टैटिक कंटेंट के लिए 1000:1 कंट्रास्ट रेशो है इधर और डायनामिक कंट्रास्ट रेशो जो है वो भैया 4:1 तक भी जा सकता है। इस मॉनिटर में एक टिपिकल ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम 5 मिलीसेकंड का है और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल है, जो कि गेमर्स को काफी पसंद आएगा। पैनल के बारे में कहा जा रहा है कि वो 99% sRGB को सपोर्ट करता है और 83% P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है। ये मॉनिटर फैक्ट्री से कलर कैलिब्रेटेड होके आता है और भैया 3-sided बॉर्डरलेस बेजल दे रखी है यहाँ पे, जो कि गेमर्स को काफी लुभाएगा। कोई इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं है यहाँ पे और जो मैक्सिमम 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है ना 2K रेजोल्यूशन पे, वो सिर्फ यार डिस्प्ले पोर्ट केबल के साथ ही पॉसिबल है। HDMI के साथ ये 144 हर्ट्ज तक ही लिमिटेड है QHD रेजोल्यूशन पर। जो HyperX Armada 27 इंच QHD डिस्प्ले मॉनिटर है, ये भारत में उपलब्ध होगा 30,990 रुपये पे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक चीज टेक के लिए आप जा सकते हैं gadgetc60.com पर। मैं जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।